विशाल खेलकूद दौड़ का फीता काटकर किया उद्घाटन। यूपी के प्रयागराज जिले के हंडिया क्षेत्र के होलापुर में बाबा पहलवान वीर स्टेडियम में विशाल खेलकूद दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, आवश्यकता है उन्हें तराशने की। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रदीप मिश्रा की एक खबर। आप तो यहाँ के कई वर्षों तक प्रधान रहे हैं और गांव में कबड्डी का खेल कराया जाता था, ऊंची कूद लंबी कूद हुआ करते थे, जो पुरानी परंपरा के खेल थे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया गया है उसको लेकर कैसा लग रहा है आपको? तो यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, इन लड़कों को उत्साहवर्धन करने के लिए क्या कहेंगे आप? आपका परिचय? मेरा परिचय राजा राम यादव। आज आप होलापुर की धरती पर आए हैं और यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जो पुरानी परंपरा रही है खेलों की वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, और आज यहाँ पर भीड़ देख करके ग्रामीण क्षेत्रों में लगता है कि आज भी कुछ खेल को पुरानी परंपरा जीवित है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रधान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और यहाँ बाबा सिल्वर जुबली स्टेडियम में कार्यक्रम के आयोजक वीरेंद्र यादव जी और भाई हमारे श्री प्रेमचंद यादव जी का भी धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़ी संख्या में आयोजन करा रहे हैं। आज हमारी जो विलुप्त होती खेल प्रतिभा हैं उनको इन्होंने उभारने का काम किया है। हमारे जो बच्चे हैं जो बॉर्डर पे, आज हमारे किसान हमारा अन्न पैदा करता है और बच्चे बॉर्डर की रखवाली करते हैं जिससे हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए आए हुए सभी युवकों का और आयोजक साथियों का हम हृदय से गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समावर्त।